जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भगवान शंकर को आदिदेव कहा जाता है। यदि भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो संसार की हर सुख सुविधा, धन दौलत, ऐसो आराम सब कुछ प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भोलेनाथ प्रसन्न हो तो भिखारी को भी राजा बना देते हैं, और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शंकर को ऐसी कौन सी चीज़ें चढ़ाई जाएं और सोमवार के दिन कौन से उपाय किए जाएं जिससे आप अपनी गरीबी को मिटा सकें। तो अगर आप भी जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, पहली चीज़ है शिवलिंगी का फल। शिवलिंगी के सिर्फ एक फल से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये फल आपको सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित करना है। इससे भगवान शिव हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर आप धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो शिवलिंगी के दो पके हुए फल सोमवार को भगवान शिव जी को जरूर चढ़ाएं। इससे आपको अनंत स्रोतों से धन प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सफ़ेद कनेर का फूल। अगर कोई भी व्यक्ति सफ़ेद कनेर के फूल की माला बनाकर सोमवार के दिन यदि शिव जी को पहनाते हैं तो इससे अचानक धन प्राप्त होता है। किसी लॉटरी सट्टे के माध्यम से धन प्राप्त होता है, या फिर गिरा हुआ धन, गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, और व्यक्ति की जन्मों जन्मों की गरीबी और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सफ़ेद आग के पत्तों की माला बनाकर भी भोलेनाथ को अर्पित करने से कुंडली में धन योग जागृत हो जाता है, और अनंत स्रोतों के माध्यम से धन प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि व्यवसाय और कारोबार में घाटा हो रहा है, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है, या रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो किसी भी सोमवार के दिन तीन बेलपत्र पर एक एक जोड़ी फूल वाली लौंग रखकर किसी शिव जी के मंदिर में जाएं और हर बेलपत्र को हाथ में रखकर 21 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को चढ़ा दें। इस तरह तीनों बेलपत्रों को शिव जी पर चढ़ा दें। ये उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति होगी, रोजगार मिलेगा, और अचानक किसी बड़ी डील के माध्यम से करोड़ों का फायदा होगा। दोस्तों, सोमवार के दिन ये उपाय करके या फिर भगवान भोलेनाथ पर आप ये चीज़ें चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी और आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आप सोमवार के दिन ये उपाय ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।